कुमार गौरव, ये कंचन जरीवाला का जो प्रकरण हुआ है, इसका बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे आया है उससे कुछ कनेक्शन है, और बीजेपी का इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? देखिए बिल्कुल, बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें एक चीज साफ है कि बीजेपी आराम से क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार में आ रही है। मैं आपको बताऊं, ये उनका इंटरनल सर्वे है और उसमें ये बात है, लेकिन उसमें कुछ चुनौतियां भी है। बीजेपी ने 182 सीट जो है विधानसभा की, उसको तीन कैटेगरी में, ए बी और सी, तीन कैटेगरी में रखा था। 99 सीटें जो पिछली बार वो जीती थी उनको उन्होंने एक कैटेगरी में रखा है, यानी वहां आगे भी वो जीत सकती है, लेकिन चुनौती वहीं पे है। 99 में से 80 सीट बिल्कुल सेफ बीजेपी को दिखता है, लेकिन 19 सीटों पे आम आदमी पार्टी के आने की वजह से उसमें भी कुछ कंडीशंस है। अगर आम आदमी पार्टी वहां जिस मजबूती से है, जिस स्थिति में अभी है, 8 से 10% वोट लाती है उन 19 सीटों पे, तो वहां पे फायदा जो है वो बीजेपी को ही होगा, क्योंकि वो कांग्रेस का वोट काटेगी। लेकिन वही अगर 12% के आसपास वोट लाती है, क्योंकि ये जीत हार के अंतर के बीच का आंकड़ा है, तो 12% वोट लाती है, तो इन सीटों पे, इन 19 सीटों पे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उसके अलावा 34 सीटें जिसे बीजेपी ने बी कैटेगरी में रखा था, यानी 5 से 10 हजार वोटों से वो हारी थी, इन 34 सीटों पे जो अलग से सर्वे है बीजेपी का, उसमें कहता है कि उन 34 सीटों पे आम आदमी पार्टी ठीक ठाक स्थिति में है, और वहां वो सत्ता विरोधी जो वोट होता है, जो कांग्रेस के पास जाता या अभी तक कांग्रेस के पास था, ये हारी हुई सीट थी बीजेपी की, वो अब आम आदमी पार्टी के पास जाएगी। तो 5 से 10 हजार वोटों का जो आंकड़ा है वो उतना अगर आम आदमी पार्टी लेती है, तो ये जो 34 सीट जो कांग्रेस जीती थी वहां पे मैक्सिमम सीट एक बार फिर से बीजेपी को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर 130 सीट का जो आंकड़ा है अभी बीजेपी के सामने साफ साफ है, लेकिन चुनौती उन 19 सीटों को लेकर है जो वो पिछली बार जीती थी, और उसमें उसे खतरा दिख रहा है। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उसके लिए बीजेपी ने जो कारपेट बॉम्बिंग आप कह सकते हैं कि 18 तारीख को 89 विधानसभा सीटों में 89 नेता उतरेंगे, पीएम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लेकिन बाकी जो 30 सीट बचती है वहां पे आम आदमी पार्टी के सक्रिय होने के बावजूद भी, वोट लाने के बावजूद भी, बीजेपी को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि वो रिकॉर्ड बनाने के लिए इस बार उतरी है, उसकी रिपोर्ट ये कहती है, तो अभी तक 130 सीटें हैं, इन 19 सीटों को अगर जोड़ दे तो 145-50 के आसपास बीजेपी पहुंच सकती है। 30 सीटों को छोड़ दे, 30 सीट वो दूसरे पार्टियों के लिए छोड़ रही है, लेकिन 150 सीटों के लिए आगे जो नुकसान हो रहा था उसके लिए उसकी रणनीति तैयार है। 18 तारीख से आप देखेंगे कि उन रणनीति पे लगातार 89 विधानसभा क्षेत्र, 89 नेता, पीएम का डोर टू डोर कैंपेन, ये तमाम चीजें होंगी। जी ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।